दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सुपरमैन रियल में किस तरह फ्लाई करता है? और क्या आपको पता है कि ये थैनोस असल में है कौन? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज के अंदर डायनासोर्स को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह हैरी पॉटर इस जादुई झाड़ू के ऊपर उड़ लेता है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको मूवीज के ऐसे बैकग्राउंड्स दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपका सुपर हीरोज के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर निंजा टर्टल्स की बात की जाए तो ये 2014 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। इस मूवी में कार्टून निंजा टर्टल्स को रियल लाइफ में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चार एक्टर्स को टर्टल्स में किस तरह कन्वर्ट किया गया? आपको जानकर हैरानगी होगी कि मूवी में ये हीरोज जितने कूल लग रहे थे, रियल लाइफ में इनका कॉस्ट्यूम इतना ही फनी और बदसूरत था। इन सुपर हीरोज को एक फोम का बना हुआ कछुए का कॉस्ट्यूम पहनाया गया था जो कि मोशन कैप्चर डिवाइस पर मुश्तमिल था। मूवीज में तो ये हीरो काफी कूल लग रहे थे, लेकिन असल में ये इस फेक कॉस्ट्यूम में किसी जोकर से कम नहीं लगते थे। मजे की बात ये है कि रियल लाइफ में तो ये बॉडी बिल्डर तक नहीं थे, बल्कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इन्होंने कई दिन से खाना ही नहीं खाया होगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो सुपरमैन पर बहुत सी फिल्म्स बनाई गई हैं, लेकिन मैन ऑफ स्टील इनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस मूवी में सुपरमैन को ऐसे जबरदस्त तरीके से उड़ते हुए दिखाया गया जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ रियल है। वेल, इस मूवी के अंदर सुपरमैन के जितने भी फ्लाइट सीन्स दिखाए गए हैं, इन्हें एक ही मेथड से शूट किया गया था। सुपरमैन को उड़ाने के लिए इसे चारों तरफ से मेटल वायर से बांधा गया और इन वायर्स को फुल फोर्स से पुल किया गया ताकि ऐसा लगे जैसे सुपरमैन गोली की रफ्तार से उड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी को रियल लुक देने के लिए ग्रीन स्क्रीन, स्पेशल इफेक्ट्स और इवन के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी चलाया गया ताकि सुपरमैन की ये पावर बिल्कुल रियल लगे। बहरहाल, जो भी हो, रियल लाइफ में ये रस्सियों से लटका हुआ बंदा कहीं से भी सुपर हीरो नहीं लगता। वेल, सुपरमैन की ये रियलिटी बच्चों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साबित होगी। दोस्तों, अगर मार्वल मूवीज की बात की जाए तो एवेंजर एंड गेम्स इसकी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। ये पूरी फिल्म इसके विलन थैनोस पर बेस्ड है। वैसे तो थैनोस का कैरेक्टर बहुत ही क्रूअल और टेरिफाइंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि थैनोस रियल में कौन है? ये जो एक्टर आप दिख रहे हैं, यही वो एक्टर है जिसने एवेंजर की सारी मूवीज में थैनोस का रोल प्ले किया था। वेल, जॉश को थैनोस का रूप देने के लिए इस मोशन कैप्चर सूट पहनाया गया जो कि एक मोटी सी जैकेट पर मुश्तमिल था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे रियल लुक देने के लिए जॉश के सर के ऊपर थैनोस की पिक्चर भी अटैच की गई थी। मजे की बात यह है कि थैनोस मूवीज में जितना खतरनाक लगता है, रियल वर्ल्ड में ये जोकर की तरह बना हुआ था। इवन ये कॉस्ट्यूम इतना फनी था कि इसे देखकर तो बच्चों को भी हंसी आ जाएगी। एनीवे, जो भी हो, इस फिल्म के एडिटर्स ने इस कार्टून को थैनोस बनाकर कमाल कर दिया था और इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये खौफनाक दिखने वाला विलन असल में एक जोकर है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने एक्समैन की लेटेस्ट मूवी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट देखी होगी। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें फास्ट म्यूटेंट 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़कर अपने दोस्तों को फायरिंग से बचाता है। ये सीन इतना जबरदस्त था कि इसे स्लो मोशन में देखकर ही मजा आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सीन को बनाया कैसे गया था? वेल, इस सीन को बनाने के लिए पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को एक वायर के साथ बांधा गया था, फिर इन्हें हवा में उड़ाकर इनमें स्लो मोशन इफेक्ट ऐड किए गए। क्विक सिल्वर को ये इनसेन स्पीड देने के लिए इसे ट्रेडमिल के ऊपर भगाया गया और साथ ही ब्लोअर से हवा दी गई ताकि इसे देखकर ऐसा लगे जैसे ये 3000 किलोमीटर की स्पीड से तेजी से दौड़ रहा है। वैसे तो ये क्लिप सिर्फ 2 मिनट का था, लेकिन एडिटर को इसे बनाने में कई हफ्ते लग गए थे। बहरहाल, जो भी हो, इसका रिजल्ट वाकई में देखने लायक था। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने हैरी पॉटर मूवी ना देखी हो। इस फिल्म सीरीज के सबसे अमेजिंग सीन्स वो हैं जिनमें हैरी पॉटर और इसके दोस्त जादुई झाड़ू के ऊपर बैठकर फ्लाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सीन को किस तरह शूट किया गया था? पहले आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मूवी को बनाते वक्त हैरी पॉटर और इसके दोस्त असली झाड़ू के ऊपर बैठते हैं। असल में झाड़ुओं को मेटल के रॉड के साथ अटैच किया गया था। इस पूरे सेट को ग्रीन और ब्लू स्क्रीन से कवर किया गया ताकि इसमें स्पेशल इफेक्ट डालकर इसे रियल लुक दी जा सके। मोर ओवर, इस सीन को और भी रियलिस्टिक लुक देने के लिए हैरी पॉटर के इर्द गिर्द ब्लोर की मदद से तेज हवा का तूफान भी क्रिएट किया गया था। इस तूफान की मदद से इस सीन को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल रियल में फ्लाई कर रहे हैं। एनीवे, जो भी हो, ये मूवी वाकई में कमाल की थी।
दोस्तों अगर एंटमैन की बात की जाए तो ये मार्वल की सबसे फनी और अमेजिंग मूवीज में से एक थी। इसमें एंटमैन चोटी की तरह छोटा हो जाता है और एक पहाड़ जितना बड़ा भी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं किस मूवी को बनाया कैसे गया था? वेल, सबसे पहले अगर एंटमैन के सूट की बात की जाए तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल सूट था जिसे लेदर से बनाया गया था। इस मूवी के 90% सीन्स कम्प्लीटली CGI का कमाल थे और इनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इवन कि इसमें एक्टर ने परफॉर्म तक नहीं किया था, बल्कि इसमें सब कुछ कंप्यूटर की मदद से बनाया गया था। मूवी के जिन सीन्स में एंटमैन बिल्कुल छोटा सा बन जाता है, इन्हें क्रिएट करने के लिए स्कॉट को एक स्पेशल सूट पहनाया गया था जिसे पहनकर वो इस तरह बिहेव करता है जैसे वो बिल्कुल छोटा हो गया है और इसके इर्द गिर्द की हर चीज बहुत ही ह्यूज हो। लेकिन असल में इन सीन्स को बनाते वक्त इसके आसपास एक भी चीज मौजूद नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ बाद में एडिटिंग के जरिए ऐड किया गया था। वेल, ये मूवी रियली बहुत अमेजिंग थी। दोस्तों कैप्टन अमेरिका मार्वल के सबसे कूल हीरोज में से एक है। आप में से बहुत से लोगों ने कैप्टन अमेरिका सिविल वार का ये हेलीकॉप्टर वाला सीन जरूर देखा होगा। इस सीन में हीरो एक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने से रोकता है। मजे की बात यह है कि इसमें कैप्टन अमेरिका अपने हाथों से ही इस हेलीकॉप्टर को आधे आसमान में पकड़ लेता है। देखने में तो ये सीन काफी कूल लगता है, लेकिन असल में मेकिंग के दौरान कैप्टन ने किसी हेलीकॉप्टर को नहीं बल्कि सिर्फ लोहे की एक फ्रेम को पकड़ रखा था। इस फ्रेम को एक लीवर के साथ अटैच किया गया था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये हेलीकॉप्टर का स्टैंड हो, लेकिन असल में वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था बल्कि ग्रीन स्क्रीन की मदद से एडिटिंग के जरिए इस स्टैंड को हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया गया था। मजे की बात यह है कि कैप्टन ने भी इतनी अमेजिंग एक्टिंग की थी कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये रियल में ही हेलीकॉप्टर को रोक रहा है। एनीवे, जो भी हो, अब इससे ज्यादा परफेक्ट सीन और भला क्या हो सकता है। दोस्तों डायनासोर से रिलेटेड जितनी भी मूवीज बनाई जाती हैं वो सारी ही ब्लॉकबस्टर होती हैं। ऑफ कोर्स डायनासोर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और इनको हर कोई ही देखना चाहता है। अगर जुरासिक वर्ल्ड की बात की जाए तो ये डायनासोर्स पर बनाई गई सबसे हिट फिल्म्स में से एक है। इस मूवी में दिखाए जाने वाले डायनासोर्स बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे गया था? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये डायनासोर्स असल में कोई और नहीं बल्कि शूटिंग सेट पर काम करने वाले वर्कर्स थे। इन वर्कर्स को ग्रे कलर के सूट पहनाए गए थे और इनके सरों पर डायनासोर का एक नकली हेलमेट भी मौजूद था। मजे की बात यह है कि ये डायनासोर हेलमेट इतने घटिया और फेक तरीके से बनाया गया था कि इन्हें देखकर तो बच्चे को भी डर नहीं लगेगा, लेकिन जब इनमें स्पेशल इफेक्ट डाले गए तो इन डायनासोर्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल रियल हैं। सच बात तो ये है कि अगर इन फिक्शन फिल्म्स को बनते हुए देख लिया जाए तो किसी का भी सुपर हीरोज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @HeatherTV पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।